हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। एमएस एक्सेल में डेटा टाइप में हम व्हाट इफ एनालिसिस छोड़ दिए थे। तो क्या है व्हाट इफ एनालिसिस, चलिए देखते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करते हैं तो इसमें सिनेरियो मैनेजर ऐड करते हैं इस पर, और इसमें हम जैसे ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हमें बजट मिला है, मैक्सिमम बजट 2,15,000, ठीक है। और इसमें क्लाइंट शेयर कितने का है, क्लाइंट टेबल, ये ऑफिस की तरफ से मिला कि आपको इतना के अंदर लेना है। तो हम यहाँ पे जैसे रखते हैं, सबसे पहले हाई रेंज, और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट में 20,000 है तो हम इसको दे देते हैं हाई रेंज में वही रहने देते हैं। ओके। फिर ऐड करेंगे मिडिल रेंज, वैल्यू वही रहेगा यहाँ पे सेलेक्ट, और इसमें देते हैं ये 18,000, ठीक है। इसमें कर देते हैं 35 या फिर 38। पिछहत्तर हजार 35, इसमें भी कर देते हैं 30, ठीक है। ओके कर देंगे। फिर ऐड करेंगे, इसमें ले लेते हैं लो रेंज। ओके। यहाँ पे हम जैसे इसका दे देते हैं 10,000, बीस हजार, 40,000, 20,000, ठीक है। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमें तीनों का वैल्यू देखना है कि कितना कितना है, तो हम समरी पे क्लिक कर देंगे। समरी पे क्लिक करेंगे और मैक्सिमम बजट पूछ रहा है, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया कि आपका कितना के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे है करेंट वैल्यू इतना था, हाई रेंज वही है, मिडिल रेंज किसका कितना पड़ेगा वो बता दे रहा है यहाँ पे। तो मैक्सिमम बजट आपका इतना पड़ेगा 1,96,000, इसका 92,000। तो इस तरह आप करके देख सकते हैं और बता सकते हैं किसी को भी चार्ट के जरिए किसका कितना रेंज है। बोल के बताना तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आप करके देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जैसे ये सेल का नाम है, अगर आपको सेल का नाम चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं।